सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी का कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। देश के अंदर में योगी सरकार के नियंत्रणाधीन जो सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में इस समय दलितों के ऊपर अत्याचार की बाढ़ आ गई है। अभी पिछले दिनों रायबरेली में एक दलित युवक मोहित की हत्या कर दी गई पुलिस द्वारा। हमारी मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है, क्योंकि थाने के अंदर उस दलित युवक की हत्या हुई है, पूरी तरीके से शासन और प्रशासन दोषी है उस दलित युवक की हत्या का। पूरे के पूरे पुलिस थाने को निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए और वहाँ के रायबरेली के पुलिस अधीक्षक को भी निलंबित किया जाए। हमारी ये मुख्य मांग है। इसके साथ साथ एक स्थानीय मांग हम लोगों की और है, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं इसको भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना चाहता हूं कि सुल्तानपुर की श्रीमती मेनका गांधी माननीय सांसद महोदया द्वारा हमारे मीडिया जगत, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उन पत्रकार बंधुओं को ब्लैकमेलर कहा गया है। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में मेनका गांधी की निंदा करती है और ये आगाह करती है कि मेनका गांधी अपनी इस अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी को तत्काल वापस लें, नहीं चौराहे चौराहे मेनका गांधी का पुतला फूंका जाएगा और उनका जीना हराम किया जाएगा। सुल्तानपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।